Yes, hello, very good morning everyone. Very good morning. So we are having a lots of students, लेकिन सबको ये अभी तक नहीं आए हैं, तो जल्दी से इस सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे ताकि सबको ये आ जाए. ठीक है, एंड द वीडियो इज क्लियर एंड द वॉइस इज क्लियर. गिव मी वन कॉन्फर्मेशन. वेरी गुड मॉर्निंग. आज पहली पूजा है. बिल्कुल, तो आज आज से कल महल्या थी और आज से पहली पूजा स्टार्ट हो जाती है. तो आप सभी को नवरात्रि की पहली पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं. और बिल्कुल हाँ, ओके, यस, वेरी गुड मॉर्निंग. तो नवरात्रि है आज, तो हम लोग भी आपके लिए एक सरप्राइज लेके आए हैं. पहले तो देखो, आज से नवरात्रि शुरू है. आप जानते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट और पायस पूरा अभी चलेगा 9 दिन का. तो अभी तक अगर आपने कुछ किसी चीज़ की शुरुआत नहीं की है, तो कहते हैं कि जैसे कलश स्थापना हो गई, तो आज से आप किसी चीज़ की भी कोई भी जर्नी की स्टार्ट कर बिगिन कर सकते हैं. अब जर्नी क्या है हमारा? जर्नी तो हमारा, हमको पता ही है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, यही जर्नी है. तो हमेशा यही याद रखेंगे कि कंसिस्टेंसी इज़ द की. कुछ भी हो जाए, रुकना नहीं है. जैसे आपको मेरे यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जहाँ पे क्या दिख रहा है, एक माउंटेनियर है जो कि चलते जा रहा है. ऐसा होता है कि कभी कभी आप थक जाएंगे और बहुत सारा हर्डल आ जाएगा, लगेगा नहीं होगा, लेकिन वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑलवेज टू रिमेम्बर, हमेशा याद रखना है आपको कि कंसिस्टेंसी इज द की. जो चलते जाएगा वही टॉप पे पहुंचेगा, है ना, टॉप पे पहुंचेगा. टॉप को क्या कहते हैं? समिट कहते हैं. इसीलिए जब भी बड़े बड़े नेताओं की मीटिंग होती है, तो उसको क्या कहते हैं? SUMMIT, समिट. ठीक है, तो बोलते ना कि समिट हो रहा है, तो ये आप याद रखेंगे. चले, बढ़िया. कंसिस्टेंसी इज द की. टुडे इज द बर्थडे ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर. हाँ जी, बिल्कुल ठीक है. तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई बात. अब क्योंकि आवाज़ तो आ रही है. हाँ, ठीक है. और क्योंकि आज नवरात्रि है, तो नवरात्रि की पहली पूजा में मेरे तरफ से एक गिफ्ट है कि जो महापैक है, जितने मेरे तरफ से नहीं, Under 24/7 की तरफ से है ना. तो जो महापैक में जाना चाहते हैं, महापैक में ये फ़ायदा होता है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो डिफेंस एग्ज़ाम में अभी स्टार्ट होने वाला है कल से. CDS के बैचेस, FCAT के बैचेस ऑलरेडी स्टार्टेड हैं, CAPF के बैचेस भी कल से स्टार्ट होने वाले हैं. तो आपको कमीशन एग्ज़ाम तो मिल गया, CDS जिसमें OTA और IMA दोनों आ जाएगा, CAPF भी मिल गया. साथ ही साथ नॉन कमीशन एग्ज़ाम जिसमें CISF, ITBP, असम राइफल्स, ये सारे एग्ज़ाम्स हैं, राइट. एंड देन BSF, BSF में RORM है. एंड देन ऑल्सो यू गेट द बैचेस ऑफ अग्निवीर. तो सिर्फ एक महापैक लेने पे इतने सारे कोर्सेस प्लस वीडियो क्लासेस, जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लासेस होते हैं, जो एकदम बेस्ट रिकॉर्डेड क्लास होते हैं, उनको हम रिकॉर्डेड वीडियोस में डाल देते हैं. और ई बुक्स भी मिल जाता है आपको, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी मिल जाता है. तो महापैक हमेशा सबसे बेस्ट होता है. तो आप आज के दिन अगर कोड यूज़ करते हैं Y332, Y332, तो आपको डबल वैलिडिटी तो मिलेगा ही. यानी कि अगर आप 6 मंथ का भी महापैक लेते हैं, तो आपको वो प्लस 6 मंथ एक साल के लिए मिलेगा. और अगर आप 12 महीने का लेते हैं, तो प्लस 12 मंथ एक साल के लिए मिलेगा, 24 मंथ हो जाएगा. तो अगर आज आपको किसी को गिफ्ट भी करना है, अपने छोटे भाई बहन को या अपने किसी सखी सहेली को, तो आप महापैक गिफ्ट कर सकते हैं. आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है. ठीक है, Y332, 77% ऑफ के साथ डबल वैलिडिटी. ओके गाइज, और पैक्स के बारे में तो आपको पता ही है. बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सिर्फ नॉन टेक पढ़ने के लिए कौन सा बैच है, तो ये DRDO का CBT 1 का बैच है. फाइन, कोड यू नो Y332. फाइन, देन लेट्स बिगिन द सेशन. आज सेशन को स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई करना शुरू करते हैं. और एक और अनाउंसमेंट है कि अगर आज से आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं और थोड़े अलग तरीके से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि पढ़ चुके हैं ना बहुत एंशिएंट, फिर मेडिएवल, फिर मॉडर्न पढ़े हैं हम लोग इस तरह से, लेकिन इस तरह से नहीं, हिस्ट्री पढ़ेंगे लेकिन किस तरह से पढ़ेंगे, थोड़े अलग तरीके से पढ़ेंगे. क्यों ना पहले टॉपिक्स क्लियर किया जाए. हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? बैटल्स, है ना. हिस्ट्री में बहुत सारे बैटल्स हैं, तो पहले बैटल्स पढ़ेंगे. तो अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है आज से, तो आप 12 बजे यूट्यूब पे आ सकते हैं. और ये इंजीनियर्स Under 24/7 पे आना है आपको इसके लिए. जैसे आपका Under 24/7 का चैनल है डिफेंस अड्डा, इंजीनियर्स अड्डा, तो आपको इंजीनियर्स अड्डा पे आना है. ठीक है, हेलो, आवाज़ आ रही है आप सभी को? अगर आपको आवाज़ कम या ज़्यादा है, तो एक बार आप अपना चेक कर ले सिस्टम, क्योंकि यहाँ से तो आवाज़ ठीक है. हेलो हेलो हेलो,
प्राइस महापैक का इट इज अप्रोक्स 3000 है, ठीक है। बस वॉइस थोड़ी बढ़ सकती है क्या? आवाज़ तो मैंने पूरी ट्राई की है कि बढ़ जाए, क्लियर है, ऑडिबल है, फाइन। देखिए तो अब एक कंपनी है जिसका नाम है ESSCI, ठीक है, ESSCI, और इसने पार्टनरशिप कर लिया किसके साथ? सैमसंग के साथ। सैमसंग के साथ पार्टनरशिप किया ताकि इंडियन यूथ को ट्रेन किया जा सके। तो बस आपसे यही सवाल है कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, हेलो, है ना? नो प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ तो ये किसने इसके साथ पार्टनरशिप किया है? इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस कंपनी के साथ ताकि भारत के यूथ को ट्रेन किया जा सके विथ इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी डोमेन टू इनहैंस एम्प्लॉयबिलिटी। तो ये है सैमसंग। सैमसंग के साथ ये इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप किया है ताकि भारत में क्या स्टार्ट हो सके? कौशल विकास, स्किल इंडिया, ठीक है, इसको स्टार्ट किया जा सके। 18 से लेकर 25 साल के जितने भी यूथ हैं, जितने भी युवा हैं, उनको हम स्किल करके, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, ठीक है, करीबन 3000 जो लड़के हैं उनको स्किल किया जा सकेगा। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, ये सब सिखाकर उनको रोजगार मिल जाए, इसीलिए सैमसंग ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। साथ ही साथ अभी न्यूज़ में ना देखो बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रह चुके हैं, जैसे BEL, बेल ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने, ये स्मिथ डिटेक्शन के साथ साइन किया है मैन्युफैक्चर स्कैनिंग सिस्टम के लिए, ठीक है, मैन्युफैक्चर स्कैनिंग सिस्टम के लिए। सुजुकी ने साइन किया है NDDB के साथ, याद है सुजुकी क्या कह रहा है कि हम गोबर गैस बनाएंगे, तो NDDB क्या है? डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है। तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट ऑफ बायोगैस के लिए यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। AICTE जो कि यूनिवर्सिटी को रैंकिंग देता है, इसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है किस कंपनी के साथ? एडोबे के साथ। तो एडोबे के साथ किस लिए? डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए। NHPC ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है PTC इंडिया के साथ सेल ऑफ पावर के लिए, यानी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएगा। टाटा स्टील ने पंजाब गवर्नमेंट के साथ स्टील प्लांट लुधियाना में बनाने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। क्लियर है गाइस? ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट आप देखेंगे IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो क्या है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में बेसिकली अब कुछ चल रहा था कि इसमें कुछ अमेंडमेंट लाना है। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन लाना है। तो संशोधन लाने के लिए एक कमेटी बिठाई गई जिसमें L नागेश्वर राव जो कि फॉर्मर जज जस्टिस रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ने, इनके तहत ये कमेटी बैठाई है। चले अब नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड, किसने अपॉइंट किया है? सुप्रीम कोर्ट ने। किस चीज़ के लिए? अमेंड करने के लिए। क्या अमेंड करने के लिए? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसका भी अपना संविधान है, उसको अमेंड करने के लिए एंड प्रिपेयर द इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि वहाँ पे कैसे लोग चुनाए जाएंगे उसके लिए। तो अभी आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में, जल्दी से बताओ। देखो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग जून महीने के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करेंगे और आपका कुछ क्वेश्चंस हम GK स्टैटिक पोर्शन का भी डिस्कस करने वाले हैं। गाइज सेशन को आप लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सबको पता चल जाना चाहिए कि देखिए यहाँ पे करंट अफेयर्स का। हाँ कल संडे था तो कल की क्लास नहीं हुई थी, ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे बच्चे गायब है लगता है आज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर क्या है, L नागेश्वर राव यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है, मतलब ये जो है कमिटी के हेड बन जाएंगे। कौन बन जाएंगे? L नागेश्वर राव, इसको आप ध्यान रखेंगे। ओके गाइस, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखें तो बेसिकली ये लोक मंथन प्रोग्राम है। लोक मंथन प्रोग्राम क्या होता है? लोक मंथन प्रोग्राम ये VP यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ने स्टार्ट किया है। इनका नाम क्या है? जगदीप धानकर।
जगदीप धानकर जी ने स्टार्ट किया है ये आपको बताना है। साथ ही साथ आप मुझे ये बताएं कि जगदीप धानकर जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं ये किस स्टेट से है धानकर, ठीक है, ये किस स्टेट से है ये भी आप बताइएगा। लोक मंथन प्रोग्राम, अब पूछा जा रहा है आपसे कि लोक मंथन प्रोग्राम स्टार्ट तो हो चुका है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि ये जो लोक मंथन प्रोग्राम है ये लोक मंथन प्रोग्राम किस सिटी में, किस शहर में वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धानकर जी ने स्टार्ट किया है। यस, सो द सिटी जहां पे स्टार्ट किया गया है गाइस इसका नाम है गुवाहाटी, गुवाहाटी असम में इसको स्टार्ट किया गया है। 3 दिन का इवेंट है जहां पे डिस्कशन चलेगा, सेमिनार चलेगा, कल्चरल इवेंट्स का, एग्जीबिशन का, ठीक है, रिच डाइवर्सिटी ऑफ आर नेशन इसके बारे में, लोक परंपरा इसका थीम है, परंपरा का मतलब होता है अनुशासन, मतलब ट्रेडिशन, ठीक है, परंपरा, ठीक। नेक्स्ट आप देखें REC, तो REC लिमिटेड ये बन गया है 12th नव महारत्न कंपनी, तो आप देख लीजिए आपके देश में टोटल 12 महारत्न कंपनी बन गए हैं। आप मुझे बताएंगे कि नवरत्न कंपनी कितने हैं और मिनी रत्न कंपनी कितने हैं, ये सब का भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही जल्दी, बहुत ही जल्द मैं ऑफिस से क्लास ले लूँगी, ठीक है, आफ्टर दुर्गा पूजा आई हैव कम टू माई होम, तो प्रोबेबली ऐसा ही रहेगा। चलें नेक्स्ट आप बताएंगे क्वेश्चन कि महारत्न कंपनी बन गई है, अभी नई नई महारत्न कंपनी बनी है, तो इनका इसका नाम बताइए आप जल्दी से, इसका नाम बताएंगे जल्दी से, कौन सी कंपनी महारत्न बन गई है। हाँ ओके ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि REC जैसे अभी हम लोग पढ़ चुके हैं ये महारत्न कंपनी बन गए, टोटल हमारे पास 12 महारत्न कंपनी है, वेरी गुड। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया है स्टेट के लिए ताकि ये स्टेट जो है अपने हेल्थ पे ध्यान दे सके, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, हॉस्पिटल होता है और जितने क्लिनिक्स होते हैं, आरोग्य सेतु, दवाई का दुकान, ये सब, तो हेल्थ केयर सर्विस को और बेहतर बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने इसको 2,832 करोड़ रुपए दिए हैं, ठीक है। तो अब आपने बताना है कि किस स्टेट को मिला है 2,832 करोड़, ये स्टेट आपका कौन सा है, गुजरात है। गुजरात को अपना हेल्थ केयर सेक्टर बेहतर बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने $350 मिलियन का लोन दिया है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ओके, ठीक है। टेरा पे पार्टनर किया है NPCI के साथ, टेरा पे, NPCI का मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI क्या करता है कि जितना भी तुम्हारा UPI है ना, जितने भी तरीके से आप डिजिटली काम कर रहे हैं पैसे को लेकर, तो ये सबका ध्यान वो अम्ब्रेला है, यानी कि वो सब चीज़ को रेगुलेट एक NPCI करता है, और टेरापे के साथ इसने पार्टनर किया है NPCI ने, ठीक है, टू इनेबल क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन वाया UPI होना चाहिए था यहाँ पे, UPI, ठीक है, तो ट्रांस बॉर्डर के लिए। अब आपको यही पूछा जा रहा है, बेसिकली आपसे पूछा ये जा रहा है कि किस कंपनी ने NPCI के साथ पार्टनरशिप किया है ताकि इंटरनेशनल पेमेंट NIPL इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड को बढ़ावा दिया जा सके क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए UPI द्वारा। UPI में जितना भी फोन पे, पेटीएम, भारत पे, ये सब जितना भी है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ये हो गया UPI के लिए, तो ये आप जानते हैं कौन सा कंपनी है गाइस, टेरापे है, वेरी गुड, टेरापे है, ठीक है, याद हो रहा है ना, मंडे है इसलिए थोड़ा आराम आराम से पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी बहुत जल्दी हम लोग थोड़े टफ क्वेश्चंस भी करेंगे क्योंकि पुराने क्वेश्चंस हैं तो आपको याद तो होगा नहीं, अब यही क्वेश्चन मैं आपसे एक वीक बाद पूछूंगी, तो अभी जितना पटाफट आंसर दे रहे हो उतना ही आंसर स्लो हो जाता है। RBI ने कैंसिल कर दिया है लाइसेंस महाराष्ट्र के एक सहकारी बैंक का, कोऑपरेटिव बैंक का, लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक इसका नाम है, तो बस यही सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ कि RBI ने लाइसेंस कैंसिल किया है और ये लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक है जो कि एक सहकारी बैंक है, क्योंकि इसके पास पूंजी की कमी थी, लैक ऑफ एडिक्वेट कैपिटल, कम से कम बैंक के पास एक एडिक्वेट कैपिटल भी तो होना चाहिए, जब लोग पैसा मांगने आएंगे अपना वापस तो बैंक क्या देगी, तो फिर बोलेगा कि बैंक करप्ट है, तो पैसा फिर गया, फंस गया लोगों का, फिर लोग चिल्लाएंगे, RBI पे इल्ज़ाम लगाएंगे, सच RBI ने पहले ही कैंसिल कर दिया इसका। ये बैंक कहाँ का है, ये बैंक है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का है,
ये आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट आप देखें कि ये रोहित शर्मा है और इनकी वाइफ है जिनका नाम है रितिका साजदे। तो रोहित शर्मा और रितिका साजदे ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रोहित शर्मा और उनकी वाइफ रितिका साजदे ये ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं 2 साल के लिए। 2 साल के लिए दोनों, मतलब ये जो कपल है ये ब्रांड एम्बेसडर बन गया है। आप बताएं किस कंपनी के लिए? तो बिल्कुल 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 एक्सेलेंट, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये ब्रांड एम्बेसडर बन गया। साथ ही साथ आप देखें नॉइस का एक्सफिट 2 स्मार्ट वॉच होता है ना नॉइस का, तो इसमें वाणी कपूर इसके ब्रांड एम्बेसडर है। फैन कोड तो रवि शास्त्री हैं। महेंद्र सिंह धोनी गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर हैं, गरुड़ एरोस्पेस के, ठीक है। रॉबिन उधप्पा कर्नाटका के ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव काभी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। शुभम गिल और ऋतुराज गायकवाड माइस 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। डिश टीवी इंडिया ऋषभ पंत हैं इसके, डिश टीवी इंडिया के कौन है? ऋषभ पंत। झुल्लन गोस्वामी ऑल विमेन मैच ऑफिशियल टीम, जितनी भी विमेन टीम है ना हमारी, तो झुल्लन गोस्वामी आपको पता है कि ये बॉलर है इंडियन क्रिकेट टीम की, विमेन क्रिकेट टीम की, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर। ऋषभ पंत उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है, उत्तराखंड के, ठीक। नेक्स्ट आप देखें इंडियन ऑथर हैं और ये पोएट भी हैं, इंडियन ऑथर भी हैं और पोएट भी हैं। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लास सब स्मूथ चल रहा है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है, ओके। तो इंडियन ऑथर एंड पोएट मीना कांडा स्वामी, ये इन्होंने जीत लिया है जर्मन पेन अवार्ड, ठीक है, जर्मन पेन अवार्ड, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो आपसे बस इतना आराम से पूछ रहे हैं हम कि अभी जर्मन पेन अवार्ड किसने जीता है, ठीक है। हु हैज़ बीन नेम्ड एज अ रेसिपिएंट, इस अवार्ड का नाम एक्चुअली बड़ा है, हरमन केंटेन प्राइज इसका नाम है, बाय द पेन सेंटर इन जर्मनी डार्मस्टैट। तो ये किसने जीता है? बोल रहा है वीमर पान मसाला का जदेव का, क्या बता दूं, एवरीथिंग इज फाइन। सीडीएस बिगनर के लिए मैं आज गाइड करूंगी, एक्चुअली सीडीएस मैंने स्टार्टिंग में भी बोला है कि सीडीएस के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, कल से स्टार्ट होंगे 27 से, तो उसके लिए मैं बताती हूँ क्या करना है आपको, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे तो अभी आपको पता चल ही गया मीना कांडा स्वामी ये बन गई है इंडियन ऑथर एंड पोएट मीना कांडा स्वामी। नेक्स्ट, विच टेनिस प्लेयर हैज़ वन चेन्नई ओपन। तो देखो अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने इस पर बात की थी, अगर आपको याद नहीं हुआ तो थर्सडे को मैंने ये बताया था। तो क्या बता सकते हैं कि कौन से टेनिस प्लेयर है, थर्सडे या सैटरडे को बताया था, जिन्होंने अभी चेन्नई ओपन जीत लिया है टेनिस प्लेयर और भारत में ये मैच हुआ है, ठीक है, चेन्नई ओपन है तो भारत में ही होगा ना, चेन्नई में, राइट। तो ये बिल्कुल लिंडा फ्रू वित्रोवा ने जीता है, लिंडा फ्रू वित्रोवा 17 साल की है, मैंने आपको बताया था चेक रिपब्लिक की है, टेनिस प्लेयर है लिंडा फ्रूतोवा। देखो ये बहुत कम लोगों को याद है, बस 2 दिन पुरानी बात है और आप लोग भूल चुके हैं, वेरी गुड। तो ये चेन्नई ओपन इन्होंने जीत लिया है, पोलैंड की मेगाडा लिनेटे को हराकर इन्होंने ये जीत लिया है। लॉन टेनिस में होता है चेन्नई ओपन, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बताएंगे इंडियाज फर्स्ट मोटो जीपी, इंडियाज फर्स्ट मोटो जीपी टू बी हेल्ड इन नोएडाज बुद्धा सर्किट, ठीक है, 2023। तो समझते हैं आप ये क्या बात है, पहले तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जीपी बोले तो ग्रैंड प्रिक्स बोले तो रेस जो होता है F1 रेस, ठीक है, तो भारत में भी होने वाला है मोटो ग्रैंड प्रिक्स का F1 रेस, वर्ल्ड चैंपियनशिप का रेस है, 2023 में होने वाला है। किस कंट्री में होने वाला है गाइज, जल्दी हरी अप, यू नीड टू टेल मी द आंसर एंड व्हाई सो मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। यस, हैव यू ऑल शेयर्ड द सेशन, बिकॉज मैं आज भूल चुकी हूँ सेशन को थोड़ा शेयर करने के लिए, तो आप बताइए। बिल्कुल, तो बुद्धा सर्किट में ये हो रहा है। बुद्धा सर्किट कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में, नोएडा को ग्रेटर बना दिया है, वो भी सुपर लेटिव मतलब ग्रेटर, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट ग्रेटर ग्रेट, तो नोएडा ग्रेटर नोएडा में ये होने वाला है और ये आपका रेस है जो कि मोटो ग्रैंड प्रिक्स। अब देखिए ये ना गाड़ी वाला रेस नहीं है, 2-व्हीलर रेस है, ठीक है, 2-व्हील यानी बाइक वाला रेस होगा, ठीक, बढ़िया। चले नेक्स्ट, सबका साथ सबका विकास, हम लोग की क्लास में भी यही चलता है, सबका साथ रहेगा सबका विकास होगा, सबको ही करंट अफेयर्स में अच्छे मार्क्स लेके आएंगे।
तो सबका साथ सबका विकास ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है आकाशवाणी भवन। आकाशवाणी भवन कहाँ पे है, आकाशवाणी भवन है दिल्ली में। कौन स्टार्ट करेगा, तो स्टार्ट करने वाले तो एक ही है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो सेलेक्टेड स्पीचेस, सबका साथ सबका विकास। तो अब आप बताइए कि हु हैज रिलीज अ कलेक्शन ऑफ प्रधानमंत्री मोदी जी। तो मोदी जी के द्वारा जितने भी इम्पोर्टेंट स्पीचेस दिए गए हैं, भाषण दिए गए हैं, उसका एक कलेक्शन बनाया गया है, ठीक है। उस किताब का नाम है सबका साथ सबका विकास। तो ये हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू, इन्होंने रिलीज किया एक कलेक्शन प्रधानमंत्री मोदी जी के स्पीचेस का, एट सबका साथ, जो कि बुक का टाइटल है सबका साथ सबका विकास। और ये न्यू दिल्ली में इसको यहाँ पे आकाशवाणी भवन में रिलीज किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, फाइन, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखें साइन लैंग्वेज। जो साइन लैंग्वेज करते हैं, जो लोग मतलब बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, साइन लैंग्वेज होता है, आप लोगों को पता ही है। तो आप बताएं कि जो सांकेतिक भाषा है, सांकेतिक भाषा, इसके लिए भी एक दिवस है। अब आप बताएंगे कि इसके लिए कौन सा दिवस है, ठीक है। तो ये 23 सितंबर है, जिस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस किया जाता है। ऑब्जेक्टिव है ताकि स्प्रेड किया जा सके रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ साइन लैंग्वेज इन रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ पीपल हु आर डेफ, ठीक है। तो जिनको जो सुन नहीं सकते उनके लिए भी है, जो बोल नहीं सकते वो भी साइन लैंग्वेज करते हैं, ठीक है, ओके। चले अब देखिए क्या था, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि पुराने वीडियोस आप लोग पूछते हैं कि मैम आपके पुराने वीडियोस देख लें, ताकि जनवरी से लेकर अभी जो सितंबर चल रहा है वहां तक के करंट अफेयर्स रिवाइज कर लें। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि देखो रेगुलर रहोगे ना तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। पुराने कितने वीडियोज़ देखिएगा, रोज होता है करंट अफेयर्स, राइट। तो क्यों बोलती हूँ कि रेगुलर रहोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अपने ही क्लास में मैं हाफ ऑफ द टाइम रिविजन करवाती हूँ, राइट। तो यहाँ पे हम लोग जून मंथ को रिवाइज कर रहे हैं, देखते हैं कि आप लोगों को जून महीने के कितने करंट अफेयर्स याद हैं। हाँ, पुराने देखने की जरूरत नहीं है, अगर आप आज से भी जुड़ रहे हैं, है ना, आज पहले पूछा है, आज से भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अपना ये जर्नी करंट अफेयर्स का, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दैट इज आई विल टेक केयर ऑफ इट। आपको बस एक चीज़ ध्यान देना है कि रोज़ सुबह 8 बजे, चाहे कुछ भी हो जाए, 8 से 9 आपको यहाँ पर प्रेजेंट रहना है, बाकी चीज़ आई विल टेक केयर ऑफ, ओके। तो यहाँ पे रिलायंस जियो, इसके चेयरमैन कौन है, आकाश अंबानी है, ठीक है। रिलायंस जियो के चेयरमैन कौन है, आकाश अंबानी, इनको बनाया गया है अभी, फाइन, अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन। नेक्स्ट सवाल है नैसकॉम। नैसकॉम क्या होता है कि हमारे जितने भी इंडस्ट्रीज है ना, उनका एक संगठन होता है, ठीक है, नैसकॉम कहते हैं इसको। तो ये नैसकॉम संगठन अभी बात कर रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन ऐड 500 बिलियन टू आर GDP, ठीक है। तो इतना बड़ा पैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आएगा। तो अब आप बताएंगे जल्दी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इतना ज़्यादा पैसा आएगा, ये किस साल तक आएगा गाइस? आंसर नहीं पता है तो आप क्या करें कि आप जो आंसर मैं लिख रही हूँ उसको आप यहाँ पे मेंशन कर दें। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू स्कोर? बेस्ट वे टू स्कोर इज ऑलवेज ट्राई कि नॉलेज होने के बाद भी आप अपने आप को टेस्ट कर सकें। टेस्ट बनाना बेस्ट वे स्कोर होता है, बेस्ट वे होता है स्कोर करने का। 2025 तक, बस 2025 तक ये कह रहा है कि अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर लेंगे तो ये बहुत बड़ा पैसा हमारी इकोनॉमी में ऐड कर देगा। नेक्स्ट आप बताएं बेस्ट ड्रोन कौन सा है, बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप कैटेगरी बाय एयरवॉर्ड्स। तो ये एयरवॉर्ड्स दिया गया है किस स्टार्टअप को, बेस्ट ड्रोन स्टार्टअप दिया गया है, बेस्ट ड्रोन स्टार्टअप, है ना, जल्दी से बताएंगे गाइज। देखो आई एम डूइंग ऑल द थिंग फॉर यू, जो भी आपका है, आपका जो नियरेस्ट एग्जाम है, देखिए बहुत सारे एग्जाम्स हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो अक्टूबर में कुछ एग्जाम्स हैं, नवंबर में तो बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स हैं, 20 नवंबर को आपका CISF का एग्जाम है, 14 नवंबर को उसके पहले SSC JEE का एग्जाम है, करंट अफेयर्स आने ही आते हैं, बस यू हैव टू बी देयर गाइस। तो ये जो है, ये है IG ड्रोन, ये बन गया है आपका बेस्ट स्टार्टअप ड्रोन के लिए। ड्रोन समझ रहे हो, अनमैन्ड व्हीकल्स जो होता है, ऊपर ऊपर उड़ता है। ओलंपिक मेडलिस्ट हैं वीरेंद्र सिंह जी, इनका निधन हो गया है। ये किस खेल से एसोसिएटेड है, वीरेंद्र सिंह, इनका निधन हुआ है अभी रिसेंटली। तो वीरेंद्र सिंह इज एसोसिएटेड विथ हॉकी, हॉकी से एसोसिएटेड है वीरेंद्र सिंह जी, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं गाइज, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट,
इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, तो कौन से इंस्टीट्यूट ने अभी अभी रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई जॉब पहले था नहीं लेकिन अब ये अचानक से हमारी इकोनॉमी में आ गया है। फॉर एग्जाम्पल जो आपके जोमेटो के, स्विगी के, फूड पैंडा के डिलीवरी बॉयज होते हैं, है ना, या फिर आप रैपिडो में जा रहे हैं, ओला में जा रहे हैं, तो वो लोग जो होते हैं वो पहले तो था नहीं ऐसा कुछ लेकिन अब ये आ गया है, गिग इकोनॉमी है। तो अब इसके लिए एक रिपोर्ट नीति आयोग ने जारी किया है, ठीक है, इसको भी रेगुलराइज करना जरूरी है ना, वरना सोचिए अगर मान लीजिए किसी का काम है लेकिन वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है तो उनको आगे जाके दिक्कत हो सकता है। तो उसके लिए नीति आयोग ने ये रिपोर्ट जारी किया है। हम लोग भी फुटबॉल खेलते हैं, आप लोगों को तो पता है खासकर बंगाल में फुटबॉल काफ़ी फेमस है, ठीक है, तो फुटबॉल आप लोग खेलते हैं और आपको बताना है कि इंटरनेशनली अगर देखा जाएगा फीफा का रैंकिंग जो कि फुटबॉल फेडरेशन है, तो ये भारत को कौन सा रैंक दे रहे हैं फुटबॉल में, क्या ये बता सकते हैं आप लोग? यस, तो भारत को रैंक मिला है 104th, 104th पायदान पे है भारत, ठीक। नेक्स्ट, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, तो रहने के लिए सबसे बेहतरीन शहर कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में सबसे पहला कौन सा सिटी आया, फर्स्ट सिटी, ये आप बताएंगे। यस, वन पे स्पेन है फुटबॉल में, ठीक है। तो रहने के लिए सबसे जो बेहतर शहर है इसका नाम है वियना, तुम लोग भी चले जाना, नौकरी वोकरी लगेगा तो एक बार जाके घूम लेना, ठीक, वियना। नेक्स्ट आप देखें कि स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022, कौन सा शहर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शहर बन के निकला है भारत में, जहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत अच्छा है। अगर आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, स्टार्टअप करना है, तो इस शहर के लिए ये शहर आपका बेस्ट शहर है, तो ये है आपका बेंगलुरु। बेंगलुरु में आप स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। G20 समिट 2023 में होने वाला है भारत में, लेकिन आपको बताना है कि G20 समिट जो 2023 में भारत में होने वाला है, जिसकी भारत को अध्यक्षता मिलेगी 1 दिसंबर 2023 तक की अध्यक्षता है हमारे पास, ये किस शहर में होने वाला है, ये शहर है जम्मू एंड कश्मीर, हमारा यूनियन टेरिटरी, यहाँ पे ही होने वाला है आपका जो G20 की मीटिंग है, ठीक है। नेक्स्ट, CEO कौन बन गया है नीति आयोग के, तो नीति आयोग के CEO भी चेंज हुए हैं और वाइस चेयरमैन भी चेंज हुए हैं। चेयरमैन क्यों नहीं चेंज होते हैं, चेयरमैन इसलिए चेंज नहीं होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए चेयरमैन हमेशा कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, है ना, PM होते हैं, तो जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाएंगे नीति आयोग के। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है ऑटोमेटिकली, डिफैक्टो, ठीक है। और साथ ही साथ इसको आपको ये भी पता होना चाहिए कि नीति आयोग के पहले क्या था, तो प्लानिंग कमीशन था, है ना, प्लानिंग कमीशन, ये आपका था नीति आयोग के पहले। प्लानिंग कमीशन में टोटल कितने प्लान्स बनाए गए, तो प्लान्स यहाँ पे 5 साल के प्लान्स बनाए जाते थे प्लानिंग कमीशन में, 12 प्लान टोटल बनाए गए, ठीक है। जो लास्ट प्लान था वो 2017 तक चला, 2012 से लेके 2017, ये 12th 5-year प्लान था। फिर नीति आयोग आ गया 2015 में, तो परमेश्वर अय्यर जो हैं वो इसके CEO बन चुके हैं, ये आपको पता है परमेश्वर अय्यर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएंगे गाइस कि इसके जो वाइस चेयरमैन है वो कौन है, ठीक है। आई एम टेलिंग यू दिस क्वेश्चन कि वाइस चेयरमैन कौन है ये आप बताइए, आई एम आस्किंग यू दिस, ठीक है। चले नेक्स्ट आप बताएं, ब्रिक्स का मतलब होता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड लास्ट में ऐड हुआ साउथ अफ्रीका। तो विच कंट्री इज टू बी द होस्ट ऑफ 14th ब्रिक्स समिट, तो ये आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो, ठीक है। सुमन बेरी बन गए, वेरी गुड, सुमन बेरी बन गए, तो देखो ऐसे भी काउंट कर सकते हो, 5, 10, 15 यानी कि 14 होगा चाइना, ऐसे ही होता है यहाँ पे, तो चाइना यहाँ पे बन गया है, समझ लो, यानी कि पहला बी यानी ब्राज़ील में हुआ, फिर रशिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, यानी कि 5वां साउथ अफ्रीका में हुआ है, तो 10वां भी साउथ अफ्रीका में होगा, 15वां भी साउथ अफ्रीका में होगा, 15 से एक पहले क्या हुआ 14, तो 14 कहाँ होगा, चाइना में होगा, समझ में आया, ऐसा होता है। तो ये ब्रिक्स समिट है, इसको आप समझ चुके हैं, चाइना में हो, 14th ब्रिक्स समिट चाइना में हुआ है। 12th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस है ना, फिर वही बच्चा पूछ रहा है सवाल कि मैम मैं किस दिन से वीडियो देखना शुरू करूँ, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बोला है आज से देखना शुरू करूँ, ठीक है। चले तो आप देखेंगे 12th ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो WTO है हमारा, है ना, WTO का मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस हो रहा है
तो ये ट्रेड का, ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ये कहाँ पे हो रही है, ये हो रही है आपकी स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड में। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे क्या है। देखो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, किसी भी, अभी जैसे कि अभी ही होने वाला है 30 सितंबर को है ना, बीपीएससी का एग्जाम है और बाकी एग्जाम्स भी हैं, तो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यार, करंट अफेयर्स आएगा ही आएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। और जनवरी से ही ज़्यादातर पूछा जाएगा, जनवरी से अगस्त। तो अगर आप इस वीक भी मेरा पूरा सेशन देख लेते हैं 8 से 9, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो बताओ, बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट, रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया। तो पूरे साउथ एशिया में जो बेस्ट हमारा एयरपोर्ट है, इसका नाम है बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सच में एक्चुअली इट इज़ द बेस्ट, मतलब देखने में पता चलता है, दिल्ली वगैरह से तो अच्छा ही है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आप बताएं कि RBI ने सस्पेंड कर दिया। देखो इसी टाइप का कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है जिसका कोई सरपैर नहीं होता है, लेकिन बोलना पड़ता है क्योंकि बाकी लोग पढ़ के जा रहे हैं ना, तो आपको भी बोलते हो ना कि मैम ये वाला इंपॉर्टेंट है, वो वाला इंपॉर्टेंट है। जो टॉप करेगा या जो तुम्हारे कॉम्पिटिशन है, वो एक्चुअली बहुत ध्यान से सब कुछ पढ़ के जा रहे हैं, तुम भी पढ़ लो। तो यहाँ पे आप देखें मिलात, मिलात कोऑपरेटिव बैंक, तो मिलात सहकारी बैंक कहाँ का है, कर्नाटका का है, जिसका अभी लाइसेंस कैंसिल हो गया। और आज पढ़े हैं लक्ष्मी वाला जो है, वो लक्ष्मी सहकारी बैंक है महाराष्ट्र का, ठीक। चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं दिल्ली हाईकोर्ट के, जून का न्यूज है, चीफ जस्टिस कौन बने हैं दिल्ली हाईकोर्ट के जल्दी से बताएंगे। तो चीफ जस्टिस जो बन गए हैं दिल्ली हाईकोर्ट के, उनका नाम है सतीश चंद्र शर्मा, सतीश चंद्र शर्मा चीफ जस्टिस बन गए। फिर आप बताएं कि फीफा का अंडर 17 विमेन वर्ल्ड कप किस कंट्री में होने वाला है 2022 का, ये जल्दी से बता दो गाइस कमेंट सेक्शन में। तो ये हमारा प्यारा स्वदेश है जिसका नाम है भारत, भारत में होने वाला है। फिर आप बताएं कि अ प्लैनेटेरियम ऑफ द रूफ, एट द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको बोलते हैं, पामिर नॉट को बोलते हैं। तो भारत के जस्ट ऊपर अगर आप मैप में देखेंगे तो एक पामिर नॉट दिखेगा, जहाँ पे जितने भी बड़े बड़े चट्टाने होते हैं यहाँ के, सब यहाँ पे एक श्रृंखला बना देते हैं, ठीक है। ओके तो यहाँ बताएं कि विच नेशन प्लान्स टू बिल्ड अ प्लैनेटेरियम, यार तो कौन सा देश बोल रहा है कि हम तो यहाँ प्लैनेटेरियम बना देंगे, तो चाइना ही बोल सकता है, चाइना यहाँ पे प्लैनेटेरियम बना रहा है। अब अंडर भारत गौरव स्कीम, भारत गौरव स्कीम में हम प्राइवेट ट्रेन चला रहे हैं, ऐसे तो बोल सकते हो कि अरे भाई सरकार सभी बेच देगा, ट्रेन बेच देगा, जहाज बेच देगा, प्लेन बेच देगा, लेकिन खैर जो भी है, तो जो भी है हम लोगों को काम है पढ़ना, फिर सिस्टम में जाके जो भी तबाही मचाना हो मचाना। तो भारत गौरव स्कीम, ये इंडिया प्राइवेट ट्रेन, ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा तुम्हारा कोयम्बतूर से शिरडी, शिरडी जो पूजा करने जाते हैं हम लोग, ठीक। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट आप बताएं कि अगर हम तुमको बोलेंगे I2U2 तो इसका क्या मतलब है, I2U2 क्यों बोल रहे हैं, टू हो, I2U2 वो याद आ गया हमको, ऊँट की पूँछ ऊँची, ऊँट ऊँचा या पूँछ ऊँची, ऊँची ऊँट की पूँछ ऊँची, ठीक जो भी है। हाँ तो ये कौन सा कंट्री है, ये इंडिया, इजराइल, UAE और US, ठीक है। तो ये I2U2 दिखेगा अगर न्यूज़ में तो पटाख से ये टिक कर दीजिएगा। चले नेक्स्ट आप बताएंगे कि कौन बन गए हैं जॉइंट 5th हाईएस्ट गोल स्कोरर, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ यही हैं, पांचवे पायदान पे और भी हैं इनके जगह, इनके साथ साथ। तो इंटरनेशनल फुटबॉल हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा गोल मारने वाले पांचवे खिलाड़ी कौन बन गए, तो ये है सुनील छेत्री। इनके साथ और कौन है वो आप बताइएगा, मेरे फेवरेट हैं तो अब आप बता सकते हैं। चलें जल्दी से बताइए। हाँ ओके बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो मेसी के साथ हैं, ठीक है, मतलब वही मेरे सेकंड फेवरेट। हु इज द चेयरमैन ऑफ रीस्ट्रक्चर्ड एडवाइजरी कमिटी ऑन म्यूचुअल फंड बाय सेबी। तो सेबी में अब क्या हुआ है कि रीस्ट्रक्चर्ड एडवाइजरी कमिटी बनेगा, ठीक है, म्यूचुअल फंड पे। तो म्यूचुअल फंड इज द सब्जेक्ट टू मार्केट एंटिटी, निवेश करने के पहले कृपया सब कुछ पढ़ लें, डिस्क्लेमर वगैरह। तो यहाँ पे इसके लिए भी कमेटी बन गया है, तो इसके लिए जो कमेटी बना है ये है उषा थरॉट, तो उषा थरॉट के मतलब ये अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखो, RBI लोन लगा दिया था जून के महीने में 27.5 लाख का,
तो 27.5 लाख का लोन आरबीआई ने किस बैंक के ऊपर लगाया है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बैंक का नाम है पंजाब एंड सिंध बैंक, तो आरबीआई ने लोन लगा दिया पेनाल्टी। ओके, डायरेक्टर ऑफ एशिया एंड पैसिफिक डिपार्टमेंट APD, एशिया पैसिफिक डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के डायरेक्टर कौन बन गए हैं ये आप बताएंगे जल्दी से कमेंट सेक्शन में। इसके डायरेक्टर बने हैं कृष्णा श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया फर्स्ट स्पोर्ट्स मार्केटिंग बुक, तो स्पोर्ट्स का मार्केटिंग किताब ये रिलीज किया गया है, स्पोर्ट्स मार्केटिंग बुक द विनिंग फॉर्मूला ऑफ सक्सेस, इसको अभी अभी रिलीज किया गया है। तो आप बताएंगे कि द विनिंग फॉर्मूला ऑफ सक्सेस के जो राइटर हैं वो कौन है। इनका नाम है विनीत कार्निक, ठीक है। स्पोर्ट्स मैगजीन पहला हमारा स्पोर्ट्स मार्केटिंग किताब है, इसको रिलीज किया गया है। सेंजू फोर्टीन एक रॉकेट का नाम है, ठीक है। सेंजू फोर्टीन रॉकेट का नाम है, स्पेस में भेजा गया है, तो ये किसका है नाम से पता चल रहा है चाइना का है। ओके, एवरी टाइम ईएमआई ऑन टाइम, तो हर बार ईएमआई आप समय पे भर सके इसके लिए कैंपेन ही पूरा लॉन्च कर दिया गया, ठीक है। हम भी ये कैंपेन लॉन्च करेंगे, जब भी सेशन में आओ सेशन को लाइक करो। अच्छा, चैनल को भी सब्सक्राइब करना होता है, पता है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब किए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना पता कैसे चलेगा अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट सेशन लेके आ गए, जैसे अभी हम बहुत जल्दी प्लान कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट से, जितने भी स्पोर्ट्स के न्यूज़ हैं उसको एक जगह कर दिया जाए, अवार्ड्स एक जगह कर दिया जाए, जितने कमिटीज़ बने हैं एक जगह, अपॉइंटमेंट्स एक जगह। तो ये महीना तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपका अक्टूबर का महीना, तो वो सब पता कैसे चलेगा? चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन पे प्रेस करोगे तब पता चलेगा, ठीक है। तो ये है आपका बजाज, नहीं हर जगह NBFC थोड़ी होता है, HDFC थोड़ी होता है, बजाज फिनसर्व इस बार इसका नाम है, ठीक है। गुरु साई दत्त ये रिटायर कर गए, ठीक है, ये रिटायर कर गए हैं। आप बताएं कि गुरु साई दत्त जो हैं ये रिटायर किए हैं किस स्पोर्ट से रिटायर किए हैं गुरु साई दत्त? गुरु साई दत्त हैज़ बीन रिटायर किए हैं ये बैडमिंटन से, बैडमिंटन खेलते थे तो ये जो है रिटायर कर दिए, ठीक। ओके चलें, बढ़िया। हाँ, एक बच्चा लिख रहा है कौन कौन मानता है कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आप लोग इतना मेहनत करें ताकि उनको थोड़ा प्रॉपर सुख सुविधा दे सकें, उसके लिए पढ़ाई शुरू कर लो। हाँ, तो अब आप देखें कि देखो 4G सर्विस लगेगा पैगोंग लेक लद्दाख में, तो यहाँ पर कौन सा कंपनी आप 4G सर्विस देने वाला है ये आप बताएंगे, और ये कंपनी है रिलायंस जियो, ठीक है। रिलायंस जियो जो है वो यहाँ पे 4G सर्विस देगा। नेक्स्ट आप बताएं व्हाट इज़ द न्यू लिमिट ऑफ ऑटो डेबिट मैंडेट थ्रू कार्ड्स एंड UPI, तो तुम मिनिमम इतना इतना पैसा निकाल सकते हो कार्ड से या UPI से, तो इसका जो न्यू लिमिट है ये 15,000 हो चुका है, ठीक है। पहले 10,000 एक बार में निकालते थे ना, तो 15,000 हो गया है, इसको ध्यान रखेंगे। आयुर्वेद आहार का लोगो ये लॉन्च कर दिया गया है, देखो हम तुम लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते, ये मेरा पूरा कोशिश रहता है, तो आप लोग भी जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। हाँ, आयुर्वेद आहार का लोगो ये मनसुख मांडविया जी ने लॉन्च किया है, मनसुख मांडविया। अब देखो कुछ और पुराने करंट अफेयर्स भी देख लेते हैं, बोलते हैं हम तुमको कि रोज़ कम से कम 8 बजे यहाँ आ जाओ और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कितना मतलब तुम बड़ा बात है यार कि हम कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि मेरा ही क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है, बट रेगुलर रहिए तो कंसिस्टेंसी आप बनाइएगा, ठीक है। थोड़ा बिना चश्मा के अच्छा, ठीक है, बिना चश्मा के लेकिन हमको दिखेगा नहीं ना, क्या फ़ायदा बिना चश्मा के आने का। वर्ल्ड चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? वर्ल्ड चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर लॉसेन स्विट्जरलैंड में, लॉसेन स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर है। डेक्कन की क्वीन किसको कहते हैं? कौन सा ऐसा शहर है जिसको कहते हैं यार ये डेक्कन की क्वीन शहर है? तो ये डेक्कन की क्वीन पुणे को कहते हैं, ठीक है। सॉरी, एक पहले ही बता दिया, वंसदा नेशनल पार्क न्यूज में रहा, ये कहाँ है? गुजरात में वंसदा नेशनल पार्क। अब देखें प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, तो टोटल हम 10,500 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बनाने वाले हैं, आपको बताना है कि ये कब तक बनेगा, वो सब तो ठीक है लेकिन बनेगा कब तक? तो ये बनेगा आपका मार्च 2025 तक ये बनेगा। ब्रिक्स ग्रुप जो मीटिंग हो रहा है 2021 में चेयरपर्सन कौन है, चेयरमैन कौन है? तो देखो
इसी तरह से घुमा घुमा के पूछा जाता है। तो भारत था 2021 में, ठीक है, अभी 2022 में कौन सा हो गया, 14th हो गया, तो चाइना है, ठीक है, इसको ऐसे घुमा घुमा के पूछा जाता है इसमें। तो नेक्स्ट आप देखें कि इंडस वाटर ट्रीटी, आपको तो पता है कि चलते रहता है पाकिस्तान से थोड़ा मुड़ा इधर से उधर, पड़ोसी से झगड़ा करना तो हमारा फंडामेंटल राइट है। तो इंडस वाटर ट्रीटी पे साइन किया गया है कि कितना पानी मेरा कितना पानी तुम्हारा। देखो इंडस नदी पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान ऑलमोस्ट इसी पे जी रहा है। अगर इंडस को भी देखोगे तो वो कराची के पास जाकर अरेबियन सी से मिलता है, जहाँ पे भी जिस शहर में डेल्टा फॉर्मेशन हो रहा है वो नदी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि सब कुछ उसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो 1960 में हम लोग साइन किए थे। बाकी तुमको पता है कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब क्या है, हम इंडस की ट्रिब्यूटरी है। श्योक, जासकर, ये सब भी ट्रिब्यूटरी है। और सतलज जो है वो तिब्बत से निकलती है, इंडस तिब्बत से निकलती है, ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है, ये सब चीज़ें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, ठीक है। माउंट हेरियट नेशनल पार्क, देखो ये नेशनल पार्क भी इंपॉर्टेंट है, तुम लोग तो याद करोगे नहीं नेशनल पार्क, तो हम सोचे कि यही सब मैं कर कर के तुमको याद करा दिया जाए। माउंट हेरियट नेशनल पार्क न्यूज़ में रहा। माउंट हेरियट पार्क नेशनल पार्क कहाँ है, अंडमान एंड निकोबार में है। IDFC फर्स्ट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है, ईजी है, मुंबई में है। आगरा किस नदी के किनारे सिचुएटेड है, तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर लोगे, आगरा यमुना नदी के किनारे सिचुएटेड है, दिल्ली में भी यमुना नदी बहती है, ठीक है। डी वाई पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम ये कहाँ पे, किस स्टेट में है, तो डी वाई पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम महाराष्ट्र में, ठीक है, गवर्नर रह चुके हैं डी वाई पाटिल वहां के। नेक्स्ट आप देखें कि COVID-19 का वैक्सीन ये बच्चों को दिया गया, 15 से लेकर 18 साल के बच्चों को दिया गया, किस समय से दिया गया याद है वो डेट, तो वो डेट था पर 16 मार्च से, ठीक है, 16 मार्च में बोला गया कि आप बच्चों को भी ये देना चाहिए वैक्सीन, इसको आप याद रखेंगे। और हाँ बस, और फिर और भी कम, मतलब 12 से 15 साल के लिए भी ये 16 मार्च से अवेलेबल करा दिया गया, ठीक, ओके। नेक्स्ट आप देखें GST फॉर डोमेस्टिक MRO सर्विस, ठीक है, तो कितना परसेंट कम हो गया है, तो ये 5% जो मेंटेनेंस एंड रिपेयर एंड ओवरहॉल चलता है ना, मेंटेनेंस जो भी सामान का मेंटेनेंस और रिपेयर चलता है, तो उसमें GST कम कर दिया गया है। पहले ये 18% पे था, अब ये 5% पे कर दिया गया है। फिर आप देखें भगवत मान चीफ मिनिस्टर बने पंजाब के, इम्पोर्टेंट रहा इस साल के लिए करंट अफेयर्स, बहुत एकदम सत्ता पलटी हो गया, तो किस दिन हुए ये, 16 मार्च को बने थे, ठीक है, भगवत मान चीफ मिनिस्टर बने, भगवत मान सिंह जी ये चीफ मिनिस्टर बने पंजाब के 16 मार्च को, ठीक, चलिए याद रहेगा, ओके। नेक्स्ट आप देखें ये कहाँ से जीत के आए हैं, इनका लोकसभा का कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी निर्वाचन क्षेत्र कहाँ है, तो इनका निर्वाचन क्षेत्र है संगरूर में इनका निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है, चले नेक्स्ट आप देखें एयर इंडिया के चेयरमैन, इस साल चेयरमैन कौन बने हैं, एयर इंडिया भी बहुत न्यूज़ में रहा है गाइस, तो एयर इंडिया के चेयरमैन आप जानते हैं एन चंद्रशेखरन बने, बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर इंडियन शटलर यानी बैडमिंटन जो खेलते हैं, डिफीटेड वर्ल्ड नंबर वन विक्टर एक्सेलसन, तो यहाँ के भारत के जो हैं वो वर्ल्ड नंबर वन विक्टर एक्सेलसन को हरा दिए जर्मन ओपन में, और सेमीफाइनल्स में इनका नाम क्या है, लक्ष्य सेन है, ठीक है, तो ये इनको हरा दिए वर्ल्ड नंबर वन को सेमीफाइनल्स में। नेक्स्ट अब देखें स्कोर फास्टेस्ट 50, सबसे जल्दी 50 रन, ये तो क्रिकेट तुम लोगों को सब पता ही है, थोड़ा अपना भी स्पीड बढ़ाओ, देखो ये भी फास्टेस्ट बना रहे हैं, फास्टेस्ट 50 इन टेस्ट फॉर इंडिया सरपासिंग कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़कर ऋषभ पंत सबसे जल्दी एकदम फटाक से 50 रन बनाने वाले भारत के प्लेयर हो गए हैं। बाफ्टा में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला, तो आप जानते हैं किंग रिचर्ड मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला गाइस, बहुत सुस्त मंडे है, सुबह का टाइम है, आज से वीक शुरू होता है, कितना कितना संकल्प लेना है, पहली पूजा शुरू हो चुकी है, पढ़ाई करना है, लेकिन यहाँ के बच्चे हैं सुस्त, ठीक, दुर्गा माता भी कृपा नहीं करेंगी, जल्दी करो। विलियम स्मिथ किंग रिचर्ड के लिए मिला है। नेक्स्ट आप देखें चेयरमैन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के चेयरमैन कौन बने हैं, जल्दी से बताओगे, हाँ ठीक है, तो ये है अजय भूषण पांडे, ठीक है, अजय भूषण पांडे ये हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और अब ये रिटायर कर चुके हैं,
और अब ये नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी के चेयरपर्सन बन गए। साथ ही साथ आप ये भी याद रखेंगे कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, दीपक दास, देखो ये सीएजी हैं, ठीक है, हम भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये है सीएजीए, ठीक है, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ अकाउंट्स ये दीपक दास है, फाइन। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, जितना भी तुम्हारा मोबाइल फोन ये सब है, इसके चेयरमैन कौन है, TRAI के, तो इसके है PD बघेला, संदीप पात्रा, संबित पात्रा जो है ये टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बहुत बोलते हैं, तो सोचा इनको भी बना दिया जाए, टूरिज्म के हैं ये, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के। नेक्स्ट, हाल ही में 10 से लेके 15 मार्च के बीच में क्या हुआ है, तो यहाँ पे साहित्य उत्सव हुआ है, तो साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए ये उत्सव हुआ है, यस। तो ये उत्सव जो है ये कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में ये उत्सव हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेट शुरू हो गया गाइज, देखिए रिवीजन हो रहा है बहुत अच्छे अच्छे तरीके से, आप लोग प्लीज़ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए, आंसर नहीं आते तो मेरे बताने के बाद आंसर दे दो, ठीक है। हु रोट द बुक न्यू डिमेंशन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, अब ये है स्टैटिक पोर्शन, ठीक है, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा लिखा गया था कि फॉरेन पॉलिसी के लिए नया डायमेंशन, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस किताब को लिखा था, इसको आप याद रखेंगे। इंडिया विंस फ्रीडम, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, इंडिया विंस फ्रीडम ये किताब किसने लिखा है, तो ये अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है, ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम नहीं है, अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है, ठीक है, ओके। अबुल फैजल, ये किस समय का टाइम है, ये अकबर का टाइम है, अबुल फैजल ने भी किताब लिखा है, आप बताएंगे कि अबुल फैजल ने जो बुक लिखा है उसका नाम क्या है, इसका नाम सिर्फ आईने अकबरी नहीं है, इसके लिए ये फेमस है, अकबरनामा भी अबुल फैजल ने लिखा है, ठीक है, आईने अकबरी तो लिखा ही है, अकबरनामा भी अबुल फैजल ने लिखा है। नेक्स्ट, वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस ये देखिए इकोनॉमिक्स का ग्रंथ कहते हैं इसको, तो ये एडम स्मिथ ने लिखा है वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, एडम स्मिथ ने लिखा है वेल्थ ऑफ नेशन। नेक्स्ट बताएंगे द मेकिंग ऑफ इंडिया, द मेकिंग ऑफ इंडिया ये किताब भी लिखा गया है अखिलेश तिलोतिया द्वारा, अखिलेश तिलोतिया ने ये किताब लिखा है द मेकिंग ऑफ इंडिया, द मेकिंग ऑफ इंडिया इन्होंने लिखा है। सूटेबल बॉय, इस पर तो नेटफ्लिक्स पे वो सीरियल भी बन गया है, तब्बू इसमें एक्ट्रेस है और वो है डिन 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 डच, उसी वही वाले हीरो एक्टर, ठीक है। तो विक्रम सेठ ने किताब लिखा है अ सूटेबल बॉय, फाइन, अ सूटेबल बॉय। एन ऑटोबायोग्राफी किसके द्वारा लिखा गया है गाइस, तो एन ऑटोबायोग्राफी लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, एन ऑटोबायोग्राफी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है, ठीक है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किताब लिखी गई है जो कि अर्थशास्त्र का हिंदी में मतलब होता है इकोनॉमिक्स, लेकिन एक्चुअली द बुक इज अबाउट पॉलिटिक्स, तो ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे कौटिल्य ने किताब लिखी है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट आप बताएंगे अष्टाध्याय, अष्टाध्याय ये किताब किसने लिखा है, तो संस्कृत के जो ग्रामर है वही है ये अष्टाध्याय किताब, और काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है, पाणिनी ने लिखा है, पाणिनी जिन्होंने स्टार्ट किया है संस्कृत भारत में, ठीक है, और मतलब संस्कृत ग्रामर पर ये किताब लिखी गई है अष्टाध्याय। आनंद मठ जिसमें वंदे मातरम का जिक्र है, वंदे मातरम ये आनंद मठ किस रिवोल्ट से इंस्पायर होकर लिखा गया था, बंकिम चंद चट्टोपाध्याय द्वारा, तो ये सन्यासी रिवोल्ट है, ये पूछा जाता है कौन सा रिवोल्ट है, सन्यासी रिवोल्ट को उन्होंने देखा, इसी से इंस्पायर होकर इन्होंने आनंद मठ किताब लिखी, ठीक। चले तो अब थोड़ा सा और रिवाइज कर लो जल्दी से, टी डे कब मनाते हैं हम लोग, टी डे हम लोग 21 मई को मनाते हैं। इंटरनेशनल टेररिज्म डे कब मनाते हैं, ये भी 21 मई को मनाते हैं, और 21 मई को ये हम लोग वर्ल्ड कल्चरल डाइवर्सिटी डायलॉग एंड डेवलपमेंट डे भी मनाते हैं, ठीक। फिर आप बताएंगे इंडेंजर्ड स्पीशीज, जो स्पीशीज अब खत्म होने वाले हैं उसके लिए 3rd फ्राइडे है मई के महीने का, ठीक। BA.4 ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तेलंगाना में शुरू हुआ था, ठीक है। 5th वुमेन बॉक्सर जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता कहाँ पे, तो इन्होंने गोल्ड मेडल वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता, यह है निखत जरीन, इस्तांबुल तुर्की में यह वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था। 1st अर्बन एयरपोर्ट पॉप अप एयर इंडिया एयर वन फॉर फ्लाइंग कार्स एंड ड्रोन, तो अगर तुमको गाड़ी उड़ने वाला मिल गया है, ठीक है, हैरी पॉटर का जमाना आ गया है, या ड्रोन तुमको उड़ाना है, तो इसके लिए यूके में
अलग से एक एयरपोर्ट है। FDI का इनफ्लो भारत में बढ़ चुका है, लोग बाहर से निवेश कर रहे हैं भारत में। कितना निवेश कर रहे हैं? तो FDI का इनफ्लो भारत में हो चुका है $83.57 बिलियन। फिर बताएं विच इंडियन स्टेट हैज बीन टॉप रेसिपिएंट, सबसे ज्यादा बाहर से पैसा कहाँ पे आया है? कर्नाटका में आया है। फिर नेशन प्लान्स टू लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट सर्च फॉर हैबिटेबल प्लैनेट, तो ये बताइए कौन सा देश कह रहा है कि भाई नहीं रहना है हमको, इंडिया में रहना ही नहीं है, मतलब वर्ल्ड में रहना ही नहीं है, अर्थ पे रहना ही नहीं है, हम कहीं और दूसरा अपना जहां बनाएंगे, जहां के आगे जहां और भी। तो ये कौन सा अपना ये है कंट्री? ये कंट्री है चाइना। चाइना कह रहा है कि हम खोज लेंगे अपना हैबिटेबल प्लैनेट। ठीक है, तो तुम लोग के लिए भी हैबिटेबल प्लैनेट हम खोज चुके हैं। वो हैबिटेबल प्लैनेट है कि आप क्लासेस में एनरोल हो जाइए, ठीक है, तो पढ़ाई अच्छे से चलेगी। जो बच्चे CDS के लिए पूछ रहे हैं मैं बता देती हूँ, सब सारे के लिए बता देती हूँ, ये DRDO का CBT 1 का बैच है, ठीक है, ये DRDO का CBT 1 प्लस CBT 2 का बैच है, Tier 1 प्लस Tier 2। ये SSC JEE का नॉन टेक का बैच है ये वाला, और अगर SSC JEE टेक प्लस नॉन टेक में जाना है तो ये सारे बैचेस हैं, इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल सारे बैचेस हैं, ठीक है। लेकिन आज ऑफर क्या है? आज ऑफर ये है कि अगर आप महापैक लेते हैं जिसमें आपको DRDO मिल जाएगा, SSC JEE मिल जाएगा, अगर बीच में और कोई एग्जाम आ जाते हैं उसके बैचेस बन जाते हैं, तो न्यू बैचेस भी ऑटोमेटिकली इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज, ई बुक, सब कुछ वन प्लेस में सब कुछ मिल जाएगा। तो आज आप हमारे साथ तैयारी शुरू कीजिए। दिस इज योर मोस्ट हैबिटेबल प्लैनेट। चाहे आपने सिविल में डिप्लोमा या इंजीनियरिंग किया है, इलेक्ट्रिकल में किया है या मैकेनिकल में किया है, सबके महापैक पे डबल वैलिडिटी का ऑफर है। प्लस क्योंकि नवरात्रि है तो आपको पता है 77% का ऑफ तो है ही। अगर आप अड्डा 24/7 के ऐप से करते हैं, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको 78% का डिस्काउंट मिलेगा, 1% ज़्यादा, डबल वैलिडिटी तो है ही, है ना। अब देखिए, ये है असम राइफल का बैच, ये है CISF का बैच। CISF का बैच अभी बहुत ज़्यादा डिमांड में है, इसका वॉरियर बैच और सारे बैचेज आ चुके हैं। FCI का भी बैच है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, सारे बैचेज मैं आपको शो कर देती हूँ अभी। यस मैम, यूट्यूब पे ही, अच्छा ठीक है। ये ITBP का बैच है, ये BSF का बैच है। BSF में आपको RO RM के बैचेस भी मिल जाएंगे, ये भी बहुत डिमांडेबल बैच है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। अग्निवीर के बैचेस ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, तो आपको पता है अग्निवीर वायु हो गया, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, और अग्निवीर का खुद का भी अपना महापैक है, ठीक है, इसमें भी डबल वैलिडिटी है, इसमें सारे सिर्फ अग्निवीर के बैचेस आपको मिल जाएंगे। अब ये है डिफेंस का महापैक, और कल से स्टार्ट होने वाला है CDS का नया बैच। तो कल यानी कि 27 सितंबर से आपको CDS का नया बैच मिलेगा, आप इसमें जल्दी से एनरोल कर लीजिए। ये OTA का बैच है, ये IMA का बैच है, और साथ ही साथ CAPF का बैचेस भी आपको कल से मिलेगा। और ये है FCAT का बैच, FCAT का बैच ऑलरेडी चल रहा है। तो डिफेंस के महापैक में आपको सारे बैचेस एक जगह मिलते हैं, साथ ही साथ आपको डबल वैलिडिटी का ऑफर भी मिलता है। और आपको तो पता है करंट अफेयर्स यहाँ पे जिस प्रो लेवल पे हो रहा है, उससे भी प्रो लेवल पे आपको यहाँ पे बैचेस में पूरा का पूरा सिलेबस साथ ही साथ कंसेप्ट्स के साथ पढ़ाया जाएगा। तो आज आप ले सकते हैं डिफेंस का महापैक, राइट। नाउ आई विल टेल यू कि बैचेस में किस तरह से आपको इनरोल करना है। तो बैचेस में इनरोल करने के लिए आपको क्या करना होता है कि आपको इस तरह से गूगल में आना होता है। वेट, तो जब आप गूगल में आते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने गूगल ओपन किया हुआ है, तो जैसे ही आप गूगल में आते हैं गाइज, तो यहाँ पे आप adda247.com पे जाते हैं। जब आप adda247.com पे जाते हैं तो ये वेबसाइट आप पे ओपन होगा। जब आप इस वेबसाइट पे ओपन करेंगे तो आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे, ठीक है। जब आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यस, तो जब आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे तो आपको सारे बैचेस मिलेंगे यहाँ पे। जैसे कि डिफेंस का, अगर मैं आज पहले दिखाऊँ, डिफेंस का महापैक आपको दिख रहा होगा, तो डिफेंस महापैक में आपको ये फायदा मिलेगा आज, इसको मैं फुल स्क्रीन कर देती हूँ, ठीक है, डिफेंस का ये महापैक है, और डिफेंस महापैक में आपको ये फायदा मिलेगा कि आज आपको डबल वैलिडिटी मिलेगा। तो देखते हैं पहले इस महापैक में क्या क्या मिलेगा आपको। तो ये देखिए डिफेंस का महापैक है ना, और यहाँ पे आप जैसे ही जाते हैं तो ये तो 12 महीने का पैक है, अगर 6 महीने का में आप क्लिक करते हैं तो आज आपको ये 1 साल के लिए मिलेगा। और यहाँ पे आपको कोड यूज करना है कौन सा, Y332, और अप्लाई कर देना है। तो ये आपको 2299 रुपीज, सिर्फ 2299 रुपए में, है ना, 2299 रुपए में आपको एक ऐसा पैक मिलने वाला है आज, जहाँ पे आपको सारे चीजों का, आप मतलब एवरीथिंग यू
कैन थिंक इज अवेलेबल ओवर हेयर. जितने भी चीज़ आप सोच सकते हैं वो सब यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगा. अपना नाम नंबर सब कुछ एकदम सही तरीके से लिखिएगा और इस पैक में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा. ठीक है, आप कंटिन्यू करके फिर पे कर सकते हैं. ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप जैसे अटल 24/7 की वेबसाइट पे जाते हैं और बाकी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी करना चाहते हैं, तो जैसे आप इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको वो पैक मिल जाएगा यहाँ पे इंजीनियरिंग का महापैक में. ठीक है, तो यहाँ पे देख लेना डबल वैलिडिटी ऑफर, तो सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सब में है. अब जैसे एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि FCI का, ठीक है, तो FCI बेसिकली आपको बैंक के महापैक में मिल जाएगा. FCI आपको बैंक के महापैक में मिल जाएगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये FCI का AG3, तो ये बैंक के महापैक में मिल जाएगा. सबके लिए कोड कॉमन है Y332 Y332, और इसको आप अप्लाई कीजिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए डबल वैलिडिटी ऑफर के साथ. आई विल रिक्वेस्ट वन मोर थिंग, जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि आपका सिलेबस ओवरऑल कम्प्लीट हो गया है, रिविजन से आपका काम चल रहा है, तो रिविजन के लिए ना हमेशा टेस्ट बनाया करो. ठीक है, तो जैसे ये टेस्ट का महापैक है, टेस्ट का भी प्राइम पैक है और टेस्ट प्राइम पैक पे भी डबल वैलिडिटी ऑफर है. तो मान लीजिए हम व्यू ऑफर्स में जाते हैं और हम एक टेस्ट प्राइम पैक ले रहे हैं, ये 2 साल के लिए Y332 S यूज़ किया हम कोड यहाँ पे S यूज़ किया. हमेशा ना देखो एक चीज़ होता है कि तुम लोग पढ़ाई तो कर लेते हो लेकिन क्या तुम लोग बैटल फील्ड के लिए तैयार हो? नहीं हो. बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं हैं. नॉलेज गेन करना इज नॉट अबाउट एवरीथिंग. नॉलेज के बाद आर यू रेडी फॉर योर एग्जाम? सिर्फ 79 रुपीज़ में तुमको 2 साल के लिए टेस्ट प्राइम पैक मिल रहा है. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. अगर तुमको इससे भी सस्ता पैक चाहिए तो तुम 1 साल का पैक ले लो. 1 साल का पैक तुमको पता है कितने का मिलेगा? देखो क्योंकि आज लोगे तो 1 साल का मिलेगा ना, 6 मंथ प्लस 6 मंथ, तो 6 महीने वाला लोगे तो Y332S यूज करने पर सिर्फ 49 रुपीज़ में तुमको डिफेंस का टेस्ट प्राइम पैक मिल रहा है. यू आर अंडरस्टैंडिंग? 6 महीने प्लस 6 महीने डबल वैलिडिटी, सिर्फ 49 रुपीज़ में डिफेंस टेस्ट प्राइम पैक Y332S यूज करना. तो यहाँ पे आप इसमें एनरोल कर लीजिए. एक बच्चा CDS के लिए पूछ रहा है तो मैं आपको बस बता दूँ CDS का बैच, ये लास्ट बैच. और कोई बैच आपको जानना है तो आप ज़रूर बता दीजिए, मैं आपको बता देती हूँ. यहाँ पे आप ऑल कोर्सेज में जाओगे, आप डिफेंस में जाओगे. ठीक है, डिफेंस में आप CDS पे जाओगे. CDS में जैसे आप जाते हैं तो देखिए, अगर आप एकदम नए हैं और आपको स्टार्ट करना है और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा ट्रस्ट आप कर सकते हैं डिफेंस अड 24/7 पे व्हेन इट कम्स टू CDS, FCAT, CIPF या ऑल डिफेंस एग्जामिनेशंस, तो यहाँ पे आपको बस क्या करना है, अगर आप लड़के हैं और आपको परमानेंट सर्विस कमीशन में भी जाना है जो कि आपका IMA है, OTA है, तो आप इस पर क्लिक कीजिए. और अगर आपको सिर्फ OTA में जाना है जिसमें मैथ्स नहीं आएगा, GK और इंग्लिश आएगा, तो आप इस पर क्लिक कीजिए. और लड़कियों को तो OTA बैच में ही इनरोल होना है क्योंकि लड़कियों में मैथ्स नहीं आएगा. ठीक है, तो अब आप इस पर क्लिक कर चुके हैं. अब आपको क्या करना है कि आपको बस ऑफर कोड लगाना है डिस्काउंट कूपन Y332 और अप्लाई कर देना है. और 1839 रुपीज़ में आज आपको ये बैच मिलेगा, CDS का बैच, जो कि कल से स्टार्ट होगा, 27th of September से स्टार्ट होगा. इसमें सब कुछ इंग्लिश और पूरा जनरल नॉलेज कवर हो जाएगा. सो दिस वॉज अबाउट एवरीथिंग. अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी चाहते हैं BS, यार अब एक एक करके मैं बताऊँ. देखो इसमें सब कुछ ऐसे ही होगा, जैसे देखिए आप ऑल कोर्स में जाएंगे, डिफेंस में जाएंगे, BSF पे क्लिक करेंगे. ठीक है, BSF पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये BSF RORM का बैच है, ये BSF आपका लक्ष्य बैच है, ये BSF RORM का बैच है. तो जिस पे भी आपका हेड कॉन्स्टेबल पे जाना है या BSF RORM पे जाना है, आपको कोर्स पे व्यू ऑफर्स में अप्लाई करना है. क्या अप्लाई करना है? Y332 और अप्लाई करना है और ये हो जाएगा. ठीक है, 1839. ठीक, DRDO के लिए भी आपको सेम काम ही करना है. गेट इंजीनियरिंग में जाना है, DRDO पे जाना है. DRDO पे जाते ही ये आप देखिए सारे बैचेस ऑलरेडी उपलब्ध हैं. ये आपका नॉन टेक का बैच है जो आपको 900 रुपीज़ में मिल जाएगा. देखिए मैंने परचेज कर लिया, तो Y332 कोड यूज़ कीजिएगा, 900 रुपीज़ में आपको DRDO का बैच मिल जाएगा. फाइन, क्लियर? चले बढ़िया. ये 900 रुपीज़ में आपको Tier 1 वाला बैच है. अगर आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या ऐसे जाना चाहते हैं तो आप Tier 1 plus Tier 2 दोनों जाएँ. ठीक है, थैंक यू फॉर द सेशन एंड विश यू ऑल द बेस्ट. 12 बजे मिलते हैं इंजीनियर्स अड्डा 24/7 पे. देखो हिस्ट्री में पहली बार मजा आएगा.